ठीक है, अच्छी बात है, उसको आराम करना चाहिए, नानी के पास घूमाए क्यों नहीं, अच्छा आदमी होगा काम करेगा, नहीं होगा इसकी तरह होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। पर यही राहुल गांधी जी की पराजित मानसिकता दिखाता है और वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। उसमें एक मणिशंकर अय्यर है, एक नौटंकी कर रहे हैं कि हम ये क्या करें, हम इस्तीफा दे रहे हैं ताकि लोग हमको कहें कि हम इस्तीफा नहीं आपका स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो अपनी कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन गांधीयन परिवार का कोई सदस्य जो है वो बनना चाहिए अध्यक्ष, तो क्या विचार है आपका इस बारे में? ये बिल्कुल सही है क्योंकि अभी तक ये गांधी जो भी वोटिंग हो रही थी गांधी परिवार का चलते आ रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग गांधी परिवार से चिढ़ते थे वो अगेंस्ट होते थे, तो ये होना चाहिए कोई अच्छा व्यक्ति हो जो नॉन गांधी से नॉलेज हो वो आए तो सही रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे राहुल गांधी का बोलने का तरीका भी जो एक लेवल होता है अध्यक्ष का होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप पार्लियामेंट में कोई बोले है कि मैं एक पप्पू हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरे इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड देखता है असेंबली को, ये दिखाता है कि उसका लेवल कितना डाउन है। तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इट्स नॉट अ लाइक अ गुड थिंग फॉर, तो एक ऐसा कुछ बंदा हो, कोई सक्षम हो, किसी नॉलेज हो, और गांधी परिवार का हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अच्छा हो, बोलने का तरीका हो उससे। कोई नाम आप सजेस्ट करना चाहेंगे कौन बन सकता है अध्यक्ष? अभी तो कांग्रेस में तो ऐसा कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, जहाँ तक है कोई भी नहीं है, आपस में मतभेद चल रहा है, तो ऐसा कोई अभी तक तो है नहीं फिलहाल। तो राहुल गांधी क्या करने वाले हैं फिर अध्यक्षता छोड़ने के बाद, क्या लगता है? उनको तो क्या करेंगे, उनके पास तो गांधी परिवार की रॉयल्टी मिली हुई है, उनके पास इतने प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आराम से खा के बैठ के अपना कर सकते हैं, आम आदमी की तरह तो है नहीं, जो उनको रोज़ कुआ खोदना हो, खाना हो, करना हो, जॉब करनी हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अभी अध्यक्ष के पास उनको पेंशन मिलती होगी, उनको कहीं ना कहीं से आएगा इनकम, तो ऐसा कुछ नहीं है उनका। तो राहुल गांधी जी जो प्रक्रिया चला रहे हैं कि हम अध्यक्ष पद हम छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्टी के चमचे होते हैं, अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे तो काफ़ी लोग कुर्सी चली जाएगी। कुछ लोग ये घेराव में हैं कि राहुल गांधी इस्तीफा ना दें ताकि हमारी कुर्सी बनी रहे, अगर हमारी कुर्सी नहीं बनी रहेगी, राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो हमारी कुर्सियां चली जाएगी। कई मुख्यमंत्री ऐसे आए प्रेस में आपको, कई प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे हो जाएंगे जिनकी कुर्सियाँ चली जाएगी। राहुल गांधी जी को गांधी परिवार छोड़ करके समाज को पकड़ना चाहिए, या और अपने जो पुराने लीडर हैं उनमें भी एक चुनाव करना चाहिए कि हम किसको अध्यक्ष बना रहे हैं या कौन बनने लायक है, कौन काम करने लायक है। बहुत लंबे अरसे से सरकार चलाए हैं लेकिन वो कांग्रेस तो पुरानी नाम की रह गई है, लेकिन लोग नहीं रह गए, वो विचारधारा नहीं रह गया, इसलिए तो उनको थोड़ी सी मुक्की खाना पड़ता है चुनाव में कि हम सही से काम नहीं कर पाते। वो सही से काम करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि देश में उनका और भी उनका बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा और उनका और विचारधारा बढ़ जाएगा, सीख जाएंगे वो, अभी बच्चे हैं सीख नहीं पाए हैं, सीखना पड़ेगा उनको। बाकी परिवार में सब पढ़े लिखे परिवार हैं, बढ़िया परिवार हैं, शिकायत नहीं है, लेकिन ये है कि अध्यक्ष पद जो है अपने परिवार में घुमा फिरा के लेना चाहते हैं, या कोई भी परिवार, उनका परिवार का हम सबका नाम नहीं लेंगे, कोई भी अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं, वो एक नौटंकी कर रहे हैं कि हम ये क्या करें, हम इस्तीफा दे रहे हैं ताकि लोग हमको कहें कि हम इस्तीफा नहीं आपका स्वीकार कर रहे हैं। बाकी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलने का समय नहीं है, इस समय जो है थोड़ा चुनाव चुनाव हो गया है, अब उनकी एक पार्टी का ही मुद्दा रह गया है। कोई नाम आप बताना चाहेंगे जो कि बन सकता हो अध्यक्ष कांग्रेस का? कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए नाम क्या बताएं, हम नाम के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग अध्ययन किए हैं पार्टी को, काफ़ी लोग सेवा किए हैं पार्टी को, हम नहीं बता सकते उनका, हम नहीं नाम ले सकते, हम उस पार्टी से है नहीं, कोई दूसरे की पार्टी का हम कोई विचारधारा नहीं करेंगे कि क्या करेंगे, उनका विचार जाने। अगर देश में सरकार चलाना चाहते हैं, देश को जिताना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं जनता का, तो अध्यक्ष पद छोड़ करके किसी अच्छे आदमी को राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और मैदान में उन लोगों को आना चाहिए। ये नहीं कि आप इस्तीफा मत दो ऐसे करके लोगों को नहीं कहना चाहिए कि लोग इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, आपका सरकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं वो लोग कुछ लोग कि उनकी कुर्सियाँ चली जाएगी और कुछ बचाव नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी के फेवर में नहीं है, अपनी कुर्सी के फेवर में बैठे हैं वहाँ पर। देखिए ये तो राहुल गांधी को स्वयं विचार करना चाहिए कि कौन सी ऐसी गलती हुई है कि आज हम एक चौराहे पर आ गए हैं।
क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को नहीं निभाया जो गलती उनके पूर्वजों ने की, और सबसे पहले हमारी देश की संस्कृति पे हमला हो रहा था और वो संस्कृति को छोड़ के अपने परिवारवाद में फंस गए। और वो परिवार की जो परिपाटी चली आई लोगों के अंदर, जनता के अंदर भी एक वो ख़त्म हो गई कि यहाँ तो परिवारवाद ही चल रहा है, इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी और कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। कांग्रेस को खड़ा किया गया लेकिन वहाँ चापलूसी हो रही थी कांग्रेस के अंदर। लोग बताते हैं, मेरा संबंध तो कोई ऐसा राजनीतिक उससे नहीं है उनके उससे, लेकिन लोग बताते हैं, पत्रकार बताते हैं कि दो दो घंटे तक एक राहुल गांधी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर को दो दो घंटे वेट करने देता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की क्या बिसात थी उस कैबिनेट मिनिस्टर के सामने कि उसको दो दो घंटे वेट करा रहा राहुल गांधी से मिलने के लिए। उन्होंने आईटी के लोगों को अपने स्टाफ में बैठा रखा है, उन्होंने ऐसे लोगों को, कल्चर बिजनेसमैन को बैठा रखा है कि वो राजनीति की परिपाटी को भूल चुके हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति थी, वास्तव में उस संस्कृति पर ऐसे लोग क्या पहचानेंगे जो जिस तरह चापलूसी में लगे रहेंगे। और आज कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो नहीं है इस चुनाव में। 2014 से लेकर बस यही मैनिफेस्टो दिखाई दिया कि बीजेपी को रोको, ये कोई मैनिफेस्टो हुआ? राहुल गांधी को कोई मैनिफेस्टो इस देश की जनता को देना चाहिए था कि देश कहाँ पर है? अपनी बात कहते कि मैंने 50 साल में ये काम किया है, कोई मैनिफेस्टो नहीं। इनको रोको, आज इनको मुस्लिम का दुश्मन बताया गया मोदी जी को, आज मोदी जी पूरे उनका मैनिफेस्टो सबका साथ सबका विकास, इस मैनिफेस्टो से नहीं हट रहे हैं मोदी जी। हम सभी इसलिए मोदी जी की वो हैं कि मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं। वहाँ एक तुष्टिकरण की राजनीति हो रही थी, उसको आगे करो, इसको आगे करो। और मुझे लगता है कि अभी बहुत विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा अपने विचारधारा से हट गई है। मैं यही कहूँगा कि इस देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए कांग्रेस आए, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस को भगाने के लिए देश के अपने पुराने उसको संकल्प लिया था, और शहीदों के लक्ष्य को पूरा करें और कम्युनल हार्मनी पैदा करें। क्योंकि कांग्रेस पे इल्ज़ाम है कि कम्युनल हार्मनी को कांग्रेस ने ही चोट पहुंचाई है। इस देश के अंदर दीवार पैदा की तो कांग्रेस ने दीवार पैदा की है। वंदे मातरम का नारा आज़ादी से पहले का नारा था, वंदे मातरम के नारे पर भी इन्होंने वो किया। HRD मिनिस्ट्री में एक बार अर्जुन सिंह ने वो दिया कि अपनी इच्छा से कहिए, किसी की वो नहीं है, आप जिसकी इच्छा होगी वो होगा। एक आपको एक HRD मिनिस्टर हैं, आज अर्जुन सिंह हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो चुका, लेकिन ये वो कांग्रेस की ही पॉलिसी अर्जुन सिंह फॉलो कर रहे थे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेश नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं। कश्मीर के हालात को देखिए कि कश्मीर कहाँ से कहाँ किस तरह एक सेल्समैन, जैसे पालका बाज़ार में हम खड़े हैं, एक सेल्समैन था वो सैयद सलाउद्दीन, उसके पास फंडिंग हो रही थी, कहाँ से आ रहा है उसका बैंक बैलेंस, कोई वाच करने वाला नहीं था। आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2014 से कश्मीर को, जो चेंजिंग भी आई है, बाहर बैठे लोग जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे कोई PM आ गया है मोदी, और किसी पर अगर इंडिया पे अटैक होगा तो उसका बहुत वो होगा। हम बैठे हुए हैं, हमारे अंदर एक सहनशीलता है, सहानुभूति है, इसलिए अभी देख रहे हैं कि कब तक वो करवट लेता है। लेकिन आपका विषय था कि राहुल गांधी का, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और आगे बोल गया, और मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी पहले देश की एक कम्युनल हार्मनी को बचाएं। तो बहुत अच्छी बात है जी, मतलब कांग्रेस को जो है ना, एक जैसे परिवारवाद उनको बोलते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कौन बनना चाहिए उनका अध्यक्ष? उसमें जो भी अच्छा कार्यकर्ता हो, उनमें कोई नाम आपके हिसाब से? नाम तो जैसे बहुत सारे हैं, उसमें एक मणिशंकर अय्यर हैं। आप बनना चाहेंगे? मैं तो वैसे ऑफिसर की ड्यूटी करता हूँ, हाँ देश के लिए मैं भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, नौकरी छोड़नी पड़ेगी फिर। तो आप बन के क्या मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब लगता है आपको कि अध्यक्षता संभाल सकते हैं आप? मैं हाँ संभाल सकता हूँ, मैं बड़ौदा हाउस में उत्तर रेल का अधिकारी हूँ, संभाल सकता हूँ। जब इतना बड़ा उत्तर रेल संभाल रहा हूँ तो देश को भी संभाल सकता हूँ। पूरी ईमानदारी से सेवा करूँगा मैं देश की, गरीबों के लिए, हर आदमी के लिए काम करना चाहता हूँ।
क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो मतलब फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ये है सबके लिए, अपने देश में हर आदमी को सम्मान देना चाहता हूँ, मतलब चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, एक उसको मतलब गुड फील हो आदमी को कि हम इस देश के वासी हैं। ये ना हो कि जैसे मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ, ये गड़बड़ चल रहा है मामला सब, ये नहीं होना चाहिए। सब देश के नागरिकों को महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं वाकई देश का नागरिक हूँ, ऐसा उसे लगे, ऐसा उसे महसूस हो, वो मैं देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दूंगा। अभी वैसे कांग्रेस में स्ट्रांग तो ऐसा कोई है नहीं राहुल के बगैर, वो हिसाब से राहुल को ही बनना चाहिए। बरसों से गांधी खाना राज करता है, अब नहीं करेगा तो आपको लगता है कि वो जो बाहर का कोई बंदा आएगा वो ढंग से काम करने देंगे उसको? चेंज तो होना चाहिए। नहीं, वो काम करने देंगे उसको? क्यों नहीं देंगे, क्या पता वो अपने इशारों पे काम करवाए, कैसे करवाएंगे, डेमोक्रेसी है। तो बात ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, इस्तीफा भी दे दिया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि कोई नॉन गांधीयन परिवार का बनना चाहिए कोई अध्यक्ष, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, अच्छी बात है, उसको आराम करना चाहिए, नानी के पास घुमाए, क्यों नहीं, अच्छा आदमी होगा काम करेगा, नहीं होगा इसकी तरह होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। वो लोग क्या पता अपने इशारे पर चलाएं, हो सकता है चलाएं जैसे मनमोहन सिंह चला था 10 साल, ये भी चल सकता। क्या लगता है कि मतलब राहुल करेगा क्या फिर अध्यक्ष नहीं बनेगा तो? घूमेगा फिरेगा ऐश करेगा या अपने लिए लड़की देखेगा, शादी करेगा? शादी नहीं हुई ना उसकी, अब यही काम है उसके पास। मैं अभी अगर राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो सुशील कुमार शिंदे जी जो महाराष्ट्र के पुराने नेता है और वो काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन एक हार से पराजित होना और यही राहुल गांधी जी की पराजित मानसिकता दिखाता है और वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। बीजेपी ने 65 साल की लड़ाई लड़ी है उन कांग्रेस के खिलाफ में, ये दो पराजय से ही राहुल गांधी अपना पद छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी लेके अपना काम करना चाहिए और पार्टी को आगे लेके अध्यक्षता छोड़ रहे हैं अपनी और कह रहे हैं कि कोई नॉन गांधी परिवार का आना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी ने अपना पद छोड़ के देश का भला किया है, कांग्रेस का और डूबने का जो सबसे बड़ा काम है वो राहुल गांधी ने किया है। अब देश का भला होगा कि वो गांधी परिवार का पीछा छोड़ें और देश के किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनने दें। कौन बन सकता है आपके हिसाब से, कोई नाम आप बताना चाहेंगे? कांग्रेस में बहुत लोग हैं, उनको राहुल परिवार गांधी परिवार से बहुत बढ़िया बढ़िया कांग्रेस के अंदर लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ये देश में इस तरह से कब्जा करके पार्टी में बैठे थे, ये इससे देश में खुशी की लहर फैली है। परिवार का यदि अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर पाएगा या उसको राहुल गांधी या सोनिया गांधी के इशारे पे चलाएंगे? वो एक बार उसको मौका दे दो फिर गांधी परिवार की इस्तीफा कर देगा। तो क्या लगता है क्या करेंगे वो इसके बाद छोड़कर? वो तो अच्छा तो है, उसको जवाबदारी उसको करने के लिए मन नहीं बोले तो उसको जवाबदारी फोर्सेबली क्यों देना है? हमारा इतना बड़ा देश है, भारत देश इतना बड़ा है, उसमें एक अध्यक्ष सीट के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा, गांधी परिवार के लिए आदमी चाहिए, इसलिए खड़गे साहब भी अच्छा आदमी है, उसको दे दिया तो हमको अच्छा लगता है।